आपके बढ़िया एकदम ठीक है जी। तो आज देखो 30th of December है और हमारा जनवरी बिल्कुल स्टार्ट हो गया है और हम लोगों ने आपको पता है स्टार्ट करें हैं सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करना। हर एक टॉपिक पर हर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस। और आज जो हम लोग सीखने वाले वो पार्टनरशिप के वन मार्कर्स क्वेश्चन होते हैं, राइट। कहने को वो वन मार्क्स के क्वेश्चन है लेकिन वो बहुत ही ट्रिकी होते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो आज हम लोग 2019 का सैंपल पेपर का पार्टनरशिप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे वन मार्क्स वाले। एग्जाम में देखो आने जरूर है और स्टूडेंट क्या करते हैं यहीं प्रैक्टिस थोड़ी कम करते हैं, राइट। क्या करते हैं बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाती है लेकिन जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं उसको हम थोड़ा कम देखते हैं। तो ऐसी गलती हमें करनी नहीं है। हम सीधा सीधा आज देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम निपटाने वाले। मैं पहले आपको बता देता हूँ हम सबसे पहले एक क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे क्या निकालना। हम लोग बात करेंगे किसकी, ड्राइंग्स के बारे में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शेयर आपने सुना होगा पार्टनरशिप के अंदर। उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो थोड़े से जिन्होंने तैयारी थोड़ी कम करी है, तो ड्राइंग्स का टॉपिक अभी हम देखते हैं कैसे निपटाएंगे पहले क्वेश्चन में। और जो दूसरा हमारा रहने वाला है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस का, राइट। ये दो क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले अलग अलग टॉपिक्स पर हैं। हमारे चैप्टर हमारा पार्टनरशिप ही है लेकिन दो अलग अलग चीजें आज हम लोग सीखने वाले हैं, पहला ड्राइंग से रिलेटेड और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो मेरे साथ साथ आपने देखना और इसको समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। ध्यान से देखो ये 2019 की हम बात करें, 2019 2020 का जो सीबीएसई ने अभी इशू करे हैं सैंपल पेपर्स, हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी और इस पर वीडियोज़ बनाई हैं तो आप लोग ज़रूर या तो मेरे को व्हाट्सअप करें लिंक मांगे या तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करते हैं। अमित अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म विड्रीज 7000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अमित जो कि एक पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनर है वो हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में क्या करता है 7000 रुपीज की ड्रॉइंग करता है। क्वेश्चन हमें ध्यान से देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है फॉर हाउ मेनी मंथ्स वुड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बी चार्ज। वो हमसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है फॉर हाउ मेनी मंथ्स वुड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बी चार्ज। अब सर कितने महीने का इंटरेस्ट निकलेगा वो निकालना सीखना है। मैंने बोला बिल्कुल वही सीखना है। तो कैसे होगा मेरे साथ साथ देखो, 2 मिनट की बात है। ये देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो देखो क्वार्टर की बात हो रही है, तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के लिए क्या कर लेना चाहिए, हमें पूरे मंथ्स लिख लेने चाहिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। ऐसा ही स्टार्ट होता है हमारा, 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक वो क्लोज होता है फिर जाके, है ना। ऐसा ही होता है, बिल्कुल सर ऐसा ही होता है। तो ये टाइमलाइन आपने बना लेनी है, टाइमलाइन बना लोगे तो बहुत सुखी हो जाओगे, ठीक है ना। अब क्या करना है सर, क्वेश्चन में जैसा बोला है हमने उसके हिसाब से ही काम करना है। क्वेश्चन में बोला है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ, ये देखो ध्यान से, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर वो बंदा जो अमित है वो 7000 रुपये निकालता है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें निकालना होता है यहां पर मंथ्स के लिए एवरेज पीरियड। क्या निकालना होता है, एवरेज पीरियड, बड़े ध्यान से एवरेज पीरियड। सर एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट, टाइम लेफ्ट आफ्टर आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, ठीक है ना। अपॉन, अब क्या करना है हमें, इस पूरे के नीचे होल अपॉन 2 करना है। तो कितने पीरियड के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज होगा वो निकल के आ जाएगा। मेरे साथ साथ इसे रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। एवरेज पीरियड बोलो फटाफट से, एवरेज पीरियड इक्वल्स टू सर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस
टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, दोबारा एक बारी, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग अपॉन टू। सर इस क्वेश्चन में इसने करा क्या, इसने बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के शुरू में इसने ड्रॉइंग करी है, ठीक है ना। अब कैसे देखेंगे हम इसको, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, खुद देखो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो पहली ड्रॉइंग इसने कौन सी तारीख को, पहला क्वार्टर हो गया ये, दूसरा क्वार्टर हो गया ये, तीसरा क्वार्टर हो गया ये, और लास्ट क्वार्टर हो गया ये। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करता है, तो पहली ड्रॉइंग तो इस क्वार्टर के स्टार्टिंग में ही कर ली होगी, फर्स्ट अप्रैल को ही। तो बताओ टाइम लेफ्ट, ये वाली बात, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग कितना बचा, इस दिन हमारी पहली ड्रॉइंग हुई थी, फर्स्ट ड्रॉइंग, हाँ कि ना, बोला है, क्योंकि उसने कि हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में वो क्या करता है, ड्रॉइंग करता है। तो पहली ड्रॉइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग में पहली ड्रॉइंग उसने 1 अप्रैल को कर ली होगी, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग बचा कितना, 1 अप्रैल को कर ली है, तो पूरा अप्रैल बचा एक, फिर दूसरा मंथ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग कितने मंथ्स बचे पूरे, सर पूरे के पूरे 12 बचे। और लास्ट क्वार्टर के भी उसने कौन सी तारीख को विड्रॉ कर लिया होगा पैसा, उसने हर क्वार्टर के बिगनिंग में करता है, हर क्वार्टर के बिगनिंग में करता है। तो फिर जो लास्ट क्वार्टर होगा ये वाला, जनवरी फरवरी और मार्च, उसके भी तो फर्स्ट को उसने क्या कर ली होगी, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग की बात कर रहा है वो, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, तो लास्ट ड्रॉइंग उसने लास्ट क्वार्टर के कब कर ली होगी, फर्स्ट जैन को कर ली होगी। उसके बाद भी वन मंथ पूरा बचा जनवरी का, फरवरी और मार्च, तो कितने मंथ्स बचे सर, इसमें बचे प्लस 3, अपॉन कर दो सर 2, इक्वल्स टू बना 15/2, दैट कम्स टू 7.5 मंथ्स। ये हमारा सॉल्यूशन निकल के भी आ गया। क्या पूछा था उसने कि फॉर हाउ मेनी मंथ्स, देखो पूछा हुआ है फॉर हाउ मेनी मंथ्स वुड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बी चार्ज। तो अब आपका आंसर क्या होगा कि भाई 7.5 मंथ्स के लिए क्या होता है, इंटरेस्ट चार्ज होगा। लेकिन आपको निकालने के लिए किस चीज़ की मदद लेनी पड़ी, एवरेज पीरियड की। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला दोबारा से देख लो एक बारी, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग अपॉन टू। इतना आसान काम था। क्वार्टर याद रखने हैं सर, पहला क्वार्टर अप्रैल से जून, दूसरा जुलाई से सितंबर, तीसरा अक्टूबर से दिसंबर, और लास्ट जनवरी टू मार्च। इस तरीके से देखना आपको, ऐसा आपका एक नंबर इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग के ऊपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा बढ़िया से, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, फिर तो सीख गए देखो। अब सर आपने कहा था एक और टॉपिक को निपटाया जाएगा। देखो हमने क्या क्या बात करी थी, हमने बात करी थी हम सबसे पहले ड्रॉइंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेंगे, ये वाली हमारी बात क्लियर हो गई है। सर अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। मैंने बोला बिल्कुल, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 ही है हमारा। क्या है इसके अंदर, देखो अंकित, उन्नति एंड आर्यन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2, और लिखा है दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। ये उनकी फ्यूचर रेशियो दे रखी है, बड़े ध्यान से देखो, और ये उनकी एग्जिस्टिंग या कह लो ओल्ड रेशियो दे रखी है। ये यही तो है बिल्कुल, लिखा हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। मतलब पहले उनकी रेशियो थी 5:3:2 ओल्ड रेशियो या कह लो एग्जिस्टिंग रेशियो, और अब 1 अप्रैल 2018 से उनकी जो फ्यूचर रेशियो या कह लो न्यू रेशियो है वो बदल जाएगी 2:3:5 में। क्वेश्चन आगे क्या कह रहे हैं, दे हैड द फॉलोइंग बैलेंस इन देयर बैलेंस शीट पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है और अमाउंट दे रखा है 60,500 का। अब पहले तो आप ये समझो, ये जो पीएनएल का डेबिट बैलेंस दे रखा है, खुद बताओ जरा मुझे बस एक चीज, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं फटाफट से, देखना बड़े ध्यान से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस दे रखा है, सर डेबिट बैलेंस दे रखा है। डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट फर्म को क्या हो रखा है, फर्म को हो रखी है लॉस, ठीक है ना। क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो प्रॉफिट होते हैं, बड़े ध्यान से, डेबिट बैलेंस है इट मींस लॉस टू द फर्म, और अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो वो एक प्रॉफिट शो करता। अब बात आती है कि सर तीन पार्टनर्स है, कौन कौन से, अंकित, उन्नति और आर्यन। पुरानी रेशियो दे रखी है 5:3:2, और फ्यूचर में जाके ये लोग अपनी रेशियो को बदलेंगे 2:3:5 में। भाई सिंपल सी बात है, पुरानी चीजें पुराने पार्टनर्स पुरानी रेशियो, पूरे पार्टनरशिप के दौरान हम लोगों ने इस तरीके से ही बात करी है, क्या पुरानी चीजें पुराने पार्टनर्स पुरानी रेशियो। जरा फटाफट से 3 मैजिकल वर्ड्स, पुरानी चीजें पुराने पार्टनर्स पुरानी रेशियो। तो ये जो पुराना पड़ा हुआ है पीएनएल का एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इसी को तो एक्यूमुलेटेड लॉस बोलते हैं भाई। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठे हुए हुए,
ये वो पुराने लॉसेज है जो फर्म के ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो भाई ये पुरानी चीज हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो सर इस पुरानी चीज का रिलेशन तो पुराने पार्टनर से तो है ही, मतलब तीनों की बात तो है ही, लेकिन कौन सी रेशियो सही है? सर ओल्ड रेशियो सही है, क्योंकि पुरानी चीजें, पुराने पार्टनर्स, पुरानी रेशियो। जरा फटाफट से बताओ पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस था कितना? सर 60,500 का था। और इसको बियर करेंगे कौन कौन? करेंगे अंकित, उन्नति और आर्यन, ये तीनों पार्टनर्स। लेकिन सर कौन सी रेशियो में? सर रेशियो कौन सी होगी? सर 5:3:2, जो कि एक उनकी कौन सी रेशियो है? ओल्ड रेशियो है। पुरानी चीजें, पुराने पार्टनर्स, पुरानी रेशियो में ही बटेंगे, भले ही क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखी हो, वो सिर्फ कंफ्यूजन है। आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, उसको बांटना कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अब क्योंकि पीएनएल का डेबिट बैलेंस दिया हुआ, सर पीएनएल का कौन सा बैलेंस? पीएनएल का डेबिट बैलेंस दे रखा है, इसका मतलब हो रखा है लॉस। और जब ये लॉस को पार्टनर्स बियर करेंगे तो उससे उनकी कैपिटल बढ़ेगी नहीं, बल्कि सर उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? घटेगी। सबको पता है पार्टनर्स की कैपिटल घटेगी, तो कहां घटती है कैपिटल पार्टनर्स की? सर डेबिट साइड में घटेगी, क्योंकि वो इस लॉस को सफर कर रहे हैं, जिससे उनको नुकसान होगा, जिससे उनकी कैपिटल डिक्रीज होगी। और कैपिटल डिक्रीज होगी तो सर डेबिट साइड में ही दिखाई देगी। अब हमें क्वेश्चन में उसको बोला क्या है कि भाई क्या पास करके दिखा दो फटाफट से? एक जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री पास कर देंगे। तीन पार्टनर्स है, कौन कौन से नाम देखें एक बारी? अंकित, उन्नति और आर्यन। तो अंकित, ध्यान से देखना बस, अंकित कैपिटल अकाउंट, उन्नति कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगी, क्योंकि तीनों पार्टनर्स को लॉस हो रहा है, क्योंकि लॉस भुगतना पड़ रहा है पुराना पीएनएल के नाम से। और आर्यन की कैपिटल भी सर डेबिट होगी। सर क्यों डेबिट हो रही? क्योंकि सर वो एक लॉस को बियर कर रहे हैं, जिससे उनको नुकसान हो रहा है, उससे उनकी कैपिटल सर कम हो रही है। कैपिटल कम होती है तो डेबिट में। और टू क्या खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा? जो पीएनएल का एक्यूमुलेटेड लॉस पड़ा था, टू पीएनएल अकाउंट पूरे कितने रुपए से खत्म हो जाएगा? 60,500 से। लेकिन सर कौन सी रेशियो में? अभी बताया रेशियो कौन सी होगी सर? रेशियो होगी सर 5:3:2। हमें इस नई रेशियो से कोई लेना देना नहीं है सर। तो बस इस 60,500 को अगर हम बांटें, यहां देखो जरा, अंकित के अकाउंट में अगर बांटे तो 60,500 का उसे कितना भुगतना पड़ेगा? ये पूरा डिनोमिनेटर कितना हो गया? 10। तो 5/10, हाँ कि ना? तो 5/10 करूं तो आंसर आ जाएगा आपका 30,250। मतलब कितना भुगतना पड़ रहा है अंकित को? 30,250 का। सेम चीज अगर हमें उन्नति के लिए निकालनी हो तो 60,500 का उसे कितना बियर करना पड़ रहा है? 3/10। कितना? इंटू 3/10। तो कितना बियर करना पड़ रहा है सर? 18,150। और अगर आर्यन की बात करें तो आर्यन को 60,500 का सर कितना? सर ये रहा 2/10 बियर करना पड़ रहा है। 2/10, ठीक है ना? 2/10 मतलब इसका आ जाएगा आपका 12,100। ऐसे करके पूरा का पूरा 60,500 का लॉस तीनों पार्टनर्स बियर करेंगे। मैं अमाउंट लिख देता हूं बस, 30,250 सर, उसके बाद 18,150 और 12,100। इसका मतलब सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, पुराने अगर लॉसेस पड़े हैं तो पार्टनर्स बियर करेंगे, जिससे उनकी कैपिटल कम होगी। कैपिटल कम होगी तो आपने डेबिट में दिखा दी। सर अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखी है तो इग्नोर करें उसे, ठीक है ना? इग्नोर करें, बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बेकार की चीज दे रखी है आपको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल दी वेरी बेस्ट। अब देखो भाई एग्जाम आ रहे हैं, अब देखो न्यू ईयर आने वाला है, उसकी पार्टी वार्टी तो करनी है वो ठीक है, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल चालू रखनी है। हम लोगों ने डेली एक नया टॉपिक करना है, डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करना है। बोर्ड के क्वेश्चंस की सीरीज ऑलरेडी हमारी रेडी है, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको अपना दिया है और मैं आपको दोबारा से दे देता हूँ, ताकि कोई और कन्फ्यूजन बचे नहीं सर। 9315554880, अपने नाम के साथ अपना क्लास बताओ मेरे को, और अच्छे बच्चों की तरह बस पढ़ाई बिल्कुल चालू रखनी है, राइट? बिल्कुल, अब भाई बहुत हो गया, अकाउंट्स का पेपर है, कोई मजाक नहीं है, राइट? तो बस मेरी तरफ से तो हमेशा ऑल दी बेस्ट है, मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है आपको। चलिए ऑल दी बेस्ट और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, खूब एंजॉय करो लेकिन पढ़ाई भी करो, ठीक है ना? ओके, बाय बाय।